अगर यहां से कुछ जवाब जाए तो फिर इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये एक नॉर्मल सी चीज है भारत में, आज से नहीं हो रहा है, अभी तो आपको अभी पता लग रहा है, इसलिए आप कह रहा हूं कि जो मौलवी मौलाना साहब हैं जो गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, कौन कहता है तुम सड़क पर नमाज पढ़ो? बल्कि बताता हूं अर्जुन जी, और इसमें हिंदुस्तानी भी देख रहे होंगे, पाकिस्तानी भाई बहन भी देख रहे होंगे, इमरान खान ने ये काम करा है, पाकिस्तानी फौज इंडिया से लड़ लेगी, जीते हारे बात की बात है, मैं उधर नहीं जा रहा, वो लड़ाई है, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा, पर्सनली मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ना मैं माननीय अमित शाह जी को मिला हूं, जो हमारे और इनकी याददाश्त मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी याददाश्त लंबी, मतलब ये नहीं कि 8-10 साल, इनकी याददाश्त जो है वो 700-800 साल लंबी है, इनकी बहुत लंबी याददाश्त है ये, पर धीरे धीरे जो इनको करना है या कर। पाकिस्तान की हालत आज उस मरे चूहे की तरह हो गई है जिसको सांप निगल रहा है, और वो सांप है महंगाई का, बर्बादी का, इकोनॉमिक क्राइसिस का। ये बात सभी मानेंगे कि पाकिस्तान की इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन इनको गलतियां करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है, उन दो शख्स का नाम शायद आपको नहीं पता। पाकिस्तान को बर्बादी के मुहाने तक ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस डिप्लोमेसी का सहारा लिया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान को धीरे 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 बर्बादी के मुहाने पर ले जाके छोड़ दिया है। तो पाकिस्तानी एक पत्रकार है आरजू काजमी जी, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो आरजू काजमी को अच्छी तरीके से जानते होंगे, स्ट्राइक मारी हुई है भाई, लेकिन अभी बेटर क्लोज है, अभी परमिशन है अपने पास, फुल परमिशन है उनकी। तो आरजू काजमी ने अपने चैनल में बुलाया मेजर गौरव आर्य का, जो किसी तारुक के मोहताज नहीं है, और आरजू काजमी ने पूछा कुछ सवाल मेजर गौरव आर्य से, और आपको बताया मेजर गौरव आर्य के जो जवाब होते हैं वो तो बस सुनने लायक होते हैं। आई एम बिग फैन सर। तो ये वीडियो ना तो मैं इस पर रिएक्शन देने वाला हूँ, ना मैं कोई रोस्ट करने वाला हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो आप लोगों को जरूर से सुनना चाहिए, और मैं मिलता हूँ आपको आखिरी में। ठीक है, जरूरत नहीं होती क्योंकि वो उस जबान को समझते नहीं है, उनके साथ वही जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो उन्हें समझ में आती है, तो फिर समझ में आ जाएगी। आप अगर एक ही दवाई सबको देंगे तो उससे एक ही मेडिसिन से सबने तो नहीं ठीक हो जाना, किसी किसी को कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है। तो वो चीज मैं समझाने की या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि भारत को जो है इस चीज को ठीक करने के लिए कोई और तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है वो अलकायदा की तरफ से भी एक मैसेज दिया गया भारत को, और फिर तालिबान ने जो है वो कहा है कि वो ऐसा कुछ होने नहीं देंगे और वो कंट्रोल करेंगे इन लोगों को, ऐसी भी ये भी न्यूज है एक, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं कुछ नहीं, अलकायदा देखिए ऐसा है ना, ये जो अलकायदा ने बोला है कि हम ये करेंगे, सब किसने रोका अलकायदा? अलकायदा क्या, अलकायदा जो कह रहा है, अलकायदा ने तो अपना वैसे भी अपनी मैगजीन का नाम वो अलकायदा गजवाए हिंद चेंज करा था 1-2 साल पहले। अलकायदा तो वैसे भी भारत में अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अलकायदा किस चीज का इंतजार कर रहा था कि आज से 1 हफ्ता पहले नूपुर शर्मा टीवी पे आए, ऐसी बातें करे, उसके बाद हम अटैक करेंगे? ये किस किस्म का फारिग गिरोह है, आतंकवादी गिरोह? अरे भाई आप ये देखिए कि अगर आपको भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी है, मैं अलकायदा की बात कर रहा हूं, अगर अलकायदा को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी, किसने रोका अलकायदा को? हमने तो नहीं बोला, हाथ जोड़ के हम तो नहीं कहे नहीं नहीं भाई साहब आप अटैक मत करो, आप करो ना, आपको जो बनता है आप करो, फिर भारत का भी जवाब आएगा, भारत का भी जवाब आएगा। और ये सरकार जो है ये ऐसी नहीं है आरजू जी जो चुपचाप बैठेगी। मैं आपको बताता हूं, मैंने एक बात नोट करी है, कई बार हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं भारत में कि यार हमने एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट को वोट देके उसको पावर मिला है। मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं कि यार पर लेकिन मोदी जी ने कुछ करा नहीं यार, ऐसी बात हो गई, कर ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये इस सरकार में लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं हम लोग यूपी में ना पहुंचे हुए लोग हैं, वो करते हैं, सब करते हैं और 10 गुना करते हैं, पर अलग अलग दिशाओं से करते हैं, अलग अलग दिशाओं से करते हैं, चुपचाप बहुत काम होता भी है, ये मैंने खुद देखा है। उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आम आदमी चाहे या मैं चाहूं कि यार इसका तो ये जवाब होना चाहिए था, इसका ये जवाब होना चाहिए था मेरे हिसाब से, राइट? उस तरीके से नहीं, लेकिन जवाब 10 गुना दिया जाता है, ये बात सही है। और मैं आपको एग्जांपल्स देके भी बता सकता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करा कि मैं आपको खुल के बताता हूं अर्जुन जी, और इसमें हिंदुस्तानी भी देख रहे होंगे, पाकिस्तानी भाई बहन भी देख रहे होंगे। जो पाकिस्तान में अभी कुछ चल रहा है डिप्लोमेटिक तौर पे, इकोनॉमिक तौर पे, उसमें ठीक है जो पाकिस्तान की जो रूलर्स थे उनकी जो मिसमैनेजमेंट थी उसका तो बहुत बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है।
चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी फैमिली हो, कोई भी हो मतलब आपके यहां, लेकिन इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ है। जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान जो एफएटीएफ में है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया के फॉरेन ऑफिस की। आप देखिए, देखिए आज आप एफएटीएफ में हैं, लगातार दर लगातार आप ग्रे लिस्ट में हैं, आपने 24 में से 23 चीजें खत्म कर दी, आप फिर भी ग्रे लिस्ट में हैं, और ऐसा कोई आपको हिंट नहीं मिला कि आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकलेंगे, और इससे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। जाहिर सी बात है, उसके साथ अपनी एक यू नो ग्रे लिस्ट में यह होगा कि जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिलेगा, राइट। आप डिप्लोमेटिकली देख लीजिए, डॉक्टर जयशंकर ने क्या कर रखा है पूरी दुनिया में, और डॉक्टर जयशंकर के फॉरेन ऑफिस ने क्या कर रखा है। हर आतंकवादी हमले का जवाब मिलिट्री नहीं होता। आज की तारीख में चीन क्या कह रहा है, चाइना ये कह रहा है कि नहीं यार हमें मामला सॉर्ट आउट करना है, वो ब्रिज बना रहा है, उसके बाद भी चाइना बातचीत करने की, जो पैंगोंग पे ब्रिज बना रहा है रिवर लेक में, उसके ऊपर भी चाइना बात कर रहा है कि चलो हम थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, अलग अलग ये प्रेशराइज करने की स्ट्रेटजी होती है कि हमने बिल्डिंग बनाई है, ब्रिज बनाया है, भारत के ऊपर प्रेशर लगे, ये सब ठीक है, राइट। तो आरजू जी, ये जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जैसे इमरान खान है वो, उसका तो अपना ही स्विच लगा हुआ है ना, उसको तो कोई, उसको पाकिस्तानी फौज नहीं कंट्रोल कर पाई, तो हम क्या कंट्रोल कर लेंगे उसको। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो पाकिस्तान में हो रहा है ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। अगर किसी भी पाकिस्तानी को लगता है कि अपने ऊपर अपने आप आसमान से नहीं हो रहा, और मैं थोड़ा बहुत, मैं कभी पर्सनली मिला नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी को, ना मैं माननीय अमित शाह जी को मिला हूं, जो हमारे मैं कभी इनसे दूर से नमस्ते करा है, बस एक पब्लिक फंक्शन में, मैं कभी पर्सनली जाके इनसे आज तक नहीं मिला। लेकिन इनकी, मैं इतना इनको समझता हूं कि इनकी याददाश्त बहुत लंबी है, इनकी याददाश्त बहुत लंबी है, और इनकी याददाश्त मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर सिर्फ ये बताऊंगा कि इनकी याददाश्त लंबी मतलब ये नहीं कि 8-10 साल, इनकी याददाश्त जो है वो 700-800 साल लंबी है, इनकी बहुत लंबी याददाश्त है ये। पर धीरे धीरे जो इनको करना है या करेंगे, जो कर रहे हैं, और लीगल है सब, इन योर फेस है, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं है कि कोई साजिश कर रहा है, कुछ नहीं, सामने आपके सामने 370-35 से पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने साजिश कर ली 370-35 से, नहीं, बीजेपी ने अपने इलेक्शन प्रोमिसेस थी उसमें लिखा था कि हम हटाएंगे, एंड दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, फिर साजिश तो नहीं है ना, जिस दिन उनकी कैपेबिलिटी हुई हटा दिया, इंटेंट तो इनका डे वन से था, इंटेंट इनका डे वन से था, जिस दिन कैपेबिलिटी हुई उन्होंने कर दिया काम। तो ये चीजें हैं अर्जुन जी जो समझनी पड़ेगी, तो ये हो रहा है। जहां तक बात है आपने अफगानिस्तान की करी, अलकायदा की करी, तो अलकायदा से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भारत आके कुछ करना चाहते हैं, स्वागत है आपका, आइए आइए, भारतीय सेना है यहां पे, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन तालिबान ने तो कहा है कि वो उन्हें कंट्रोल करेंगे, ये भी जो है तालिबान ने कहा है इंडिया के लिए, मगर साथ साथ जो है वो अफगानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका ये भी कहना है कि वो उनकी आर्मी को, यानी अफगान आर्मी को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहेंगे भारत, उस पर आप क्या कहेंगे आरजू जी? ऐसा है कि मैं ये कहना चाह रहा, शुरू में ना इमरान खान साहब ने बड़ा सेलिब्रेट करा था ना पाकिस्तान में कि ये हमारे भाई हैं और ज़हनी आजादी, और आपने वो स्पीच सुनी, मैंने भी सुनी वो स्पीच, सभी ने देखी वो स्पीच, तो इमरान खान साहब की किए हैं। तालिबान ने क्या बोला? तालिबान ने बोला कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को हम कंट्रोल करेंगे, अफगानिस्तान के अंदर हम कंट्रोल करेंगे कि भारत पे वो लोग हमला ना कर सकें। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। क्या उन्होंने ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए दिया कि हम टीटीपी को कंट्रोल करेंगे? नहीं, टीटीपी एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नहीं दिया। पाकिस्तान तो हर समय अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड समझता था अर्जुन जी, पर तालिबान ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं दिया, और पाकिस्तान आज से नहीं, पाकिस्तान 50 साल से अपना बैकयार्ड समझ रहा है अफगानिस्तान को। ये पूरा मामला था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, तो अफगानिस्तान को लेकर बना था। तो ये जो चीजें हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि जो कह रहे हैं तालिबान को ट्रेनिंग देनी है,
और जो वो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी उनको ट्रेनिंग दे तालिबान को, तो अफगानों को तो हम कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं? हमारी एकेडमीज में ताजिक भी हैं, उज्बेक भी हैं, अफगान भी हैं, श्रीलंका से भी लोग आते हैं, ये पूरे सेंट्रल एशिया से, श्रीलंका तो खैर हमारे साउथ में हो गया, लेकिन सेंट्रल एशिया के जितने भी स्टेट है, जितने भी स्थान हैं, ये सबके सब तो इंडिया में आईएमए और ओटीए में तो घुसे हुए हैं सबके सब, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई में है जहां से मैंने ट्रेनिंग दी है, वहां पर दुनिया भर के फॉरन कैडेट्स हैं, दिस इज नॉट न्यू। हाँ, बट लेकिन तालिबान के लोगों को ट्रेनिंग करना एज पार्ट ऑफ तालिबान, ये दिस वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने बोला है कि हम चाहते हैं इंडियन आर्मी ट्रेन करें। अब देखते हैं सरकार का जो हुक्म होगा, जो सरकार डिसाइड करेगी वैसा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको, हाँ जी जी बताइए, नहीं आप कंप्लीट कीजिए, सॉरी। मैं ये कह रहा था अर्जुन जी कि कहीं ना कहीं हमें भी ये समझना पड़ेगा कि आप तालिबान को पसंद करें ना करें, ठीक है, इट इज करंटली द डिफैक्टो गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान आज की तारीख में। हमें नहीं आई आएगी पसंद तालिबान, हमें नहीं पसंद है जिस तरीके से वो औरतों के हकूक को खत्म करते हैं, दबाते हैं, जिस तरीके से वुमेन्स एजुकेशन के ऊपर, जिस तरीके से वो एक बड़ा हार्श इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है, जिस तरीके से उनका जो भी है, ये जो पूरी बातें हैं तालिबान की, ये हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, हमें अच्छी नहीं लगे, और लेकिन अगर आपको अफगानिस्तान में डील करना है तो आपको तालिबान के साथ ही डील करना है। और इंडिया हर समय अपना जो इंटरेस्ट है उसको ऊपर रखता है, जैसे कि हर एक मुल्क रखता है। एक जमाने में नदन अलायंस था जिसके साथ इंडिया था, अब नदन अलायंस नहीं है, तालिबान है, तालिबान के साथ बातचीत करना है। तालिबान को क्या चाहिए? भारत से दो चीजें चाहिए, पैसा और रिकॉग्निशन, पैसा और रिकॉग्निशन। और उनको पता है, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, ये जो तालिबान वाले हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी ये गुफा वुफा से निकले लोग नहीं, दे आर वेरी स्मार्ट, ये दीन दुनिया का बड़ा इनको कि पाकिस्तानी फौज किस तरीके से लड़ेगी, उसकी क्या टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी होगी। लेकिन पाकिस्तानी फौज से थोड़ा ना लड़ लेगी, और इमरान खान ने यही जंग शुरू कर दी है। इमरान खान ने फौज के अंदर से एक, और आप कह रही हैं वेटरन्स, आरजू जी सिर्फ वेटरन्स नहीं है, सर्विंग पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स आर देयर, जो पाकिस्तानी फौज में सर्व कर रहे हैं ना आरजू जी, वो अफसर हैं हु आर सर्विंग इन द पाकिस्तानी आर्मी हु आर अगेंस्ट जनरल बाजवा। ये काम कैसे हो सकता है आप बताइए ना, ये काम किस तरीके से हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? आपने फौज के अंदर दीमक लगा दी, आपने फौज के अंदर सेंध लगा दी, ठीक है। इंडिया तो एक्सटर्नल है, आपने बोला कि हिंदू है खा जाएगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह, चलो घोड़े पे, पर थ्रेट वहां पे नहीं है, थ्रेट इज नॉट टुवर्ड्स योर ईस्ट। और मैं जनरल बाजवा को यह कहना चाहता हूं जो मैंने जनरल रहील शरीफ को बोला था, मैं आज वही स्टेटमेंट आपकी शो पे रिपीट करना चाहता हूं, मैं जनरल बाजवा को यह कहना चाहता हूं कि जनरल बाजवा, वी आर योर एडवर्सरीज नॉट योर एनिमीज, योर एनिमीज सिट बिसाइड्स यू, आपके दुश्मन आपके बगल में बैठे हैं, हम आपके एडवर्सरी हैं, लड़ाई होगी तो आप भी हमें मारेंगे, हम भी आपको मारेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जनरल बाजवा एक 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 दुश्मन फौज के सरबरा है, मैं मानता हूं ये, और पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन आज अगर जनरल बाजवा से कोई जाके पूछे कि जनरल साहब आपको असली खतरा कहां है, बाहर के अंदर, फिर आप उनके दिल की बात सुनिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा आरजू जी कि उनको असली खतरा, उनको असली खतरा इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज के अंदर जहर घोल दिया, इसलिए तो वो ये सब सीनियर हैं जनरल बाजवा के, ये बुजुर्ग जितने भी थे वहां पे कैप वैप लगा के और केन लेके फौजी हैं। आप एक काम करिएगा आरजू जी, मैं आपकी शो पे बोल रहा हूं और आप, ये मेरा चैलेंज है, आप वहां से पूछिएगा सीनियरिटी किसकी क्या है, जो वहां पे खड़े हैं ना ऑफिसर्स जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब, आप बोलिएगा सर आप किस तारीख को कमीशन हुआ, और आप डेट ऑफ कमीशन जनरल बाजवा की नोट करिए, जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी डेट ऑफ कमीशन नोट करिए, और जो बाकी वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनकी डेट ऑफ कमीशन देखिए, आपको पता लगेगा कि लॉट ऑफ देम आर सीनियर टू जनरल बाजवा। बिल्कुल नहीं, वो लग रहे थे, खैर वो देखने में भी लग रहे थे, लेकिन खैर वो लिस्ट भी मैं जो है वो मंगवा लूंगी। तो दोस्तों पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने और सुनने के बाद मैं आपके दिल और दिमाग पे, जहन में जो भी बातें आ रही है वो सब कमेंट बॉक्स में उतार दीजिए। मैं मेजर गौरव आर्या जी की बातों से 101% सहमत हूँ। आपको क्या लगता है? वो कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपका राज होता है, पहन दीजिए। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, मेरी जुबान में ना छाले पड़ गए आप लोगों को बोल बोल के, इंस्टाग्राम भी है उसको फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हजारों बार बोल चुका हूँ मैं, लेकिन आप लोगों को तो कोई असर ही नहीं पड़ता, चिकने गड़े की तरह सुनते और चले जाते। अरे भाई उसको लिंक पे जाओ, क्लिक करो और फॉलो करो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए 5 मिनट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।